हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम, क्या हालचाल मेरे भाई लोग। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ इमाम मूसा काजिम अलैहि सलाम डॉक्यूमेंट्री इन उर्दू बाय मेहरबान अली। ठीक है, ये जो वीडियो है ये मुझे किसी और के चैनल से मिला, बिकॉज मेहरबान अली सर का चैनल जो ऑफिशियल चैनल है उनका मेहरबान अली के नाम से, वो यूट्यूब पे कहीं नहीं मिल रहा। लिटरली पता नहीं क्या सीन है, डिलीट हो गया या फिर कॉपीराइट स्ट्राइक पर आया, कुछ पता नहीं चल रहा। बिकॉज सर ने कोई पोस्ट भी नहीं करा उससे रिलेटेड कि क्या हुआ उनके ऑफिशियल चैनल के साथ में। सेकेंड चैनल है उनका मेहरबान टीवी के नाम से, बट मेहरबान अली कहीं नहीं मिल रहा। तो किसी और के चैनल से मुझे वीडियो मिला है। ठीक है, 25 रजब है आज, जो मूसा काजिम सेवेंथ इमाम कहते हैं इस्लाम के, इमाम मूसा काजिम उनकी शहादत का दिन है आज। तो मुझे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री उनकी देखनी थी, बिकॉज मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं उनके बारे में। सो लेट्स सी, इस वीडियो से चल जाएंगे पता, बिकॉज मेहरबान अली सर की वीडियो बहुत अच्छी होती है। सो विदाउट नी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। Kindly recite Surah Fatiha for the grandfather of Mehrban Ali, Sayyid Hussain Shah Shamsi Sabzawari Tabrizi. Imam Hussain alayhi salam ki shahadat aur aale nabi ko qaid karke bazaron mein phirane ke baad logon ke dilon mein Banu Umayya ke liye nafrat baith gayi aur yun Banu Abbas ne is nare ko buland kiya ki hum Imam Hussain nawasa-e rasool ke khoon ka badla lenge क्योंकि आले मोहम्मद पे जुल्म हुआ, सितम हुआ। बनु उमैया और बनु अब्बास लड़ते रहे, लेकिन इमाम सज्जाद रिहाई के बाद दिन रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ अमल और अपने बेटे मोहम्मद बाकर से कहते थे, ऐ मोहम्मद तू बाकर है इल्म को फैलाने वाला, जिंदगी में सिर्फ दो काम करना, एक अल्लाह की इबादत और दूसरा वो इल्म जो तुम्हारे नाना मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से लेके मुझ तक पहुंचा और तुम अपनी ज़बान और किरदार से जमाने में फैलाना। तो बस दुनिया सल्तनत के चक्कर में लड़ती रही, लेकिन आले रसूल औलाद अली दुनिया को इल्म देने लगे। इमाम मोहम्मद बाकर ने एक मदरसा कायम किया, हजारों लोग आते थे इमाम मोहम्मद बाकर से इल्म लेते थे। आले रसूल औलाद अली इल्म देने को ही अपनी जिंदगी बना बैठे थे, यहाँ तक कि पूरे हिजाज में ये चर्चा हो गया। लेकिन ये बात वक्त के हाकिमों को ना गवार गुजरी कि हुकूमत हमारी पैसा हमारा, लेकिन लोग औलाद अली से इतना प्यार क्यों करते हैं, इल्म लेने के लिए उनके दर पे क्यों जाते हैं। तो उन्होंने जहर देके इमाम मोहम्मद बाकर को शहीद करवा दिया और यूं मदरसे की पूरी जिम्मेदारी इमाम जाफर सादिक पे आ गई। इमाम जाफर सादिक दिन रात मुख्तलिफ उलूम पे लोगों को दर्स दिया करते थे, यहाँ तक कि दुनिया ने तारीख में दर्ज कर दिया कि उस दौर में दुनिया की सबसे बड़ी दरसगाह मदरसा इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम थी, जिसमें हजारों लोग आके पढ़ते और पढ़ के अपने अपने ममालिक वापस जाके तबलीग किया करते, जिनमें जाबिर बिन हयान अहले सुन्नत के इमाम आजम हजरत अबू हनीफा भी काफी साल इमाम जाफर सादिक के शागिर्द रहे। बस तारीख ने लिख दिया कि सल्तनत दुनियादार संभालते रहे, लेकिन दीन को संभालना आले मोहम्मद ने अपना मकसद बना लिया। अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के जाहिरी तौर पे पर्दा फरमाने से 138 साल बाद इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम को अल्लाह ने बीबी हमीदा खातून से तारीख 7 सफर 128 हिजरी बमुताबिक 7 नवंबर 745 ईस्वी को मकाम अबवा के करीब अल्लाह ने एक चांद जैसा बेटा अता कर दिया, जिसकी विलादत से पहले इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम को अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ख्वाब में आके फरमा दिया कि ऐ जाफर, अल्लाह तुम्हें एक बेटा अता करने वाला है जिसकी सूरत अल्लाह के नबी मूसा से मिलेगी, तुम उसका नाम मूसा रखना। तो बस इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने अपने नाना के कहने के मुताबिक अपने उस बेटे का नाम मूसा रख दिया। उस वक्त अब्बासी खुलफा ने अपनी हुकूमत की जड़ें मजबूत कर दी थी और आले मोहम्मद ने जुल्म करना शुरू कर दिया था। यूं आप बड़े होने लगे, आप जब अपने बाबा की मजलूमियत देखते थे तो ज़ारो कतार रोते थे, तो इमाम जाफर सादिक अलैहि सलाम ने आपके सर पे हाथ रखा और कहा, तुम मेरे बेटे काजिम हो, अपने गुस्से को बर्दाश्त करके उसका सही इस्तेमाल करने वाले। और तब से जमाना आपको मूसा काजिम के नाम से
जानने लगा। आपको इबादत का शौक था, अक्सर करके खामोश रहते थे और बचपन से ही हर सवाल का जवाब कुरान की किसी न किसी आयत से दिया करते थे। और वहाँ 750 ईस्वी में अब्बासियों का पहला हाकिम अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद तख्त नशीं हुआ। लेकिन अफसोस, जैसे ही अब्बासी खुलफा तख्त पे आए तो उन्होंने आले रसूल को दुख और तकलीफ का जेवर पहना दिया। जहाँ जहाँ औलाद अली औलाद फातिमा मिलती उन्हें कत्ल किया करते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीब हम हैं, हम उनके चचा की औलाद हैं। लेकिन लोग बादशाह तो हमें समझते हैं, लेकिन अकीदत आले फातिमा आले अली से रखते हैं। दुआ लेने के लिए औलाद अली औलाद फातिमा के पास जाते हैं तो वो आले रसूल से बुग्ज़ रखने लगे और उन्हें जहर देके शहीद करने का सिलसिला कायम कर दिया। आपकी उम्र मुबारक अभी 4 साल की ही हुई थी कि एक दिन आप अपने बाबा इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम के पास आए और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे कि बाबा, मैं आज आपके पास एक हाजत लेके आया हूँ। इमाम जाफर मुस्कुरा के फरमाने लगे, ऐ मेरे बेटा, क्या? इमाम मूसा काजिम ने कहा, बाबा, हमारे घर में मुझे एक छोटा सा हुजरा बना के दो जिसमें छोटा सा मुसल्ला हो। मैं ये चाहता हूँ कि एक पल के लिए भी अल्लाह की इबादत से जुदा ना हूँ। इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, बेटा, इस हाजत का सबब तो इमाम मूसा काजिम फरमाने लगे, बाबा, जब मेरा दिल धड़कता है तो मेरी ये ख्वाहिश होती है कि दिल की हर धड़कन के साथ मैं अल्लाह का शुक्र करूं, अल्लाह का जिक्र करूं। और यूं अक्सर करके आप उस हुजरे में ही हुआ करते थे, दिन रात इबादत किया करते थे। कभी सारी सारी रात रुकू में, तो कभी सारी सारी रात सजदे में, तो कभी सारी सारी रात कयाम में। आपकी इबादत इतनी बढ़ने लगी कि बचपन में ही आपकी पेशानी पे सजदों का निशान वाज़े होने लगा। आप इबादत में इतना गिरिया किया करते थे कि जो भी आपके हुजरे के करीब आता वो आपकी आवाज सुन के रोने लगता। तभी इमाम जाफर सादिक अलैह सलाम सबको बताने लगे कि मेरे तमाम बेटों में सबसे मुत्तकी परहेजगार और बाइल्म इमाम मूसा काज़िम है, और मेरे बाद अगर कहीं भी उलझो तो अपने मसले इमाम मूसा काज़िम से पूछना। और वहाँ अब्बासी सल्तनत ने अपनी जड़ें मजबूत कर दी। आपकी उम्र मुबारक 8 साल तक पहुँची तो अब्बासी खुलफा 754 हिजरी में हलाक हो गया। उसके बाद अबू जाफर इब्ने मंसूर तख्त नशी हुआ। उन्होंने भी इमाम जाफर सादिक और आले रसूल पे इतना सितम किया कि सादात मुख्तलिफ शहरों की तरफ जाते रहे। कोई अली का चाहने वाला सरेआम नहीं कहता था कि मैं अली का चाहने वाला हूँ। और यही वजह है कि औलाद फातिमा पूरी दुनिया में फैल गए। कोई सिंध की तरफ रवाना हुआ, कोई हिंद की तरफ, कोई मिस्र की तरफ, कोई किनान की तरफ। बस 15 शवाल 148 हिजरी को मंसूर ने इमाम जाफर सादिक को शहीद करवा दिया। मंसूर का जुल्म जब हद से ज्यादा बढ़ने लगा और उसने अबू मुस्लिम खुरासानी को भी कत्ल कर दिया, तो जैसे कि खुरासान, मदीना, मक्का, शाम एक दूसरे से दूर हैं, तो मंसूर ने चाहा किसी ऐसे शहर को मरकज बनाया जाए जो खुरासान और दूसरी रियासतों के दरमियान हो, ताकि लोगों पे उसका खौफ बाकी रहे। तो उसने बगदाद को अपना मरकज बनाया और यूं बगदाद हुकूमती हवाले से मरकज बनने लगा। इस शहर को बनाने के लिए उस दौर के 4,08,33,000 दरहम लगे। एक मर्तबा हज के लिए अब्बासी खुलफा जब मक्के गया तो भी पनाह लोग थे। हर कोई इस जिदोजहद में था कि हजर अस्वद तक पहुँचे। यहाँ तक के वक्त के बादशाह को भी कोई नहीं पहचानता था कि इतनी देर में आवाज बुलंद हुई कि रसूल अल्लाह का फर्जंद आ रहा है। बीबी फातिमा जहरा और इमाम अली का फर्जंद आ रहा है, इमाम मूसा काज़िम आ रहा है। बस लोग सब उस तरफ मुतवजा हुए और रास्ता देने लगे। इमाम मूसा काज़िम करीब आए, हाथों को उठाया और दुआ की, ऐ अल्लाह, इस तेरे घर का तवाफ करने वाले हर इंसान का तवाफ कबूल कर। सबने आमीन कहा और इमाम मूसा काज़िम की ज़ियारत करने लगे। उस वक्त के हाकिम ने कहा कि मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं, सल्तनत मेरी, दबदबा मेरा, सिक्का मेरा, पैसे मेरे, लेकिन लोग तो इस फटे पुराने कपड़े पहनने वाले अली के पोते की इज्जत कर रहे हैं। जाओ इस मूसा काज़िम को कैद में डाल दो और जो बचे हुए सादात है उसको हिजाज से मिटा दो, ताकि औलाद फातिमा का नाम तक मिट जाए। बस
इमाम मूसा कासिम कभी किस कैद में, कभी किस कैद में। एक कैद से रिहाई मिलती थी तो कुछ अयाम के बाद ही इमाम को दूसरे कैद खाने में डाल देते थे। अब्बासी खुल्फा बदलते रहे, मंसूर के बाद हादी, हादी के बाद हारून रशीद, लेकिन दिन ब दिन आले रसूल के मानने वालों पे जुल्म बढ़ता रहा। एक मर्तबा इमाम मूसा कासिम को रिहाई मिली, इमाम वापस अपने घर आए। बस सुबह से शाम हुई कि फिर से वक्त के सिपाही पहुंच गए कि मूसा कादिम को कैद करने का ऑर्डर मिला है। इमाम मूसा कादिम बाहर आए और फरमाने लगे, ऐ वक्त के जालिम हुक्मरानों के जालिम सिपाही, आज काफी सालों के बाद मैं घर आया हूँ। मेरी 18 बेटियां हैं और मुझे ये पता है कि अब जो मैं कैद को जाऊंगा तो कभी रिहा नहीं होगा, यहाँ तक कि मेरी बेटियां भी मेरी जनाजे तक को नहीं देखेंगी। मुझे एक रात की मोहलत दो ताकि मैं एक दिन अपनी बेटियों के साथ गुजारूं। सिपाहियों ने कहा, हमें इजाजत नहीं कि हम तुम्हारी जमानत लें। आसपास के सब लोग खामोश, लेकिन एक सिपाही कहने लगा, ठीक है हम तुम्हें रहने देते हैं, लेकिन तुम्हारे मोहल्ले में कोई तुम्हारी जमानत ले कि तुम कहीं जाओगे नहीं। बस ये कहना था तो एक ईसाई आगे बढ़ने लगा और रोक के कहने लगा, मैं जामिन हूँ, एक दिन इमाम मूसा कादिम को अपने घर में रहने दो। तो सिपाही कहने लगे, ये इतने सारे मुसलमान हैं, वो जामिन नहीं हुए, तुम जामिन किस तरह से पढ़ रहे हो। तो वो ईसाई रोक के कहने लगा, मैं इस मूसा कादिम के मोहल्ले में रहता हूँ, इनके घर की दीवार मेरी घर की दीवार के साथ है, और इनकी शराफत का आलम ये है कि मुझे आज पता चला कि इस मूसा कादिम की 18 बेटियां हैं। मैंने कभी इस घर से किसी औरत की आवाज तक नहीं सुनी, इस इंसान से शरीफ इंसान नहीं देखा। बस एक रात की मोहलत मिली, सुबह फिर से कैद में। तारीख ने लिखा, इमाम मूसा कादिम को ऐसी कैद में डाल दिया जिसमें ना इमाम खड़े हो सकते थे ना बैठ सकते थे। हालत रुकू में मुसलसल कायम, लेकिन तब भी अल्लाह की इबादत को न छोड़ा। कैद खाने से मुसलसल अल्लाह के जिक्र की आवाज बुलंद आती रहती थी। उस कैद को महीने साल का लिबास ओढ़ के पढ़ने लगे, यहाँ तक कि 14 साल गुजर गए। ये वक्त अहल बैत के मानने वालों के लिए माहौल था। बहुत मुश्किलात के बाद किसी को कैद में आपसे मिलने का मौका मिलता था। तो एक मर्तबा उस दौर के अजीम आलिम हजरत बहलोल ताना इमाम मूसा कादिम के पास आए और दस्ते अदब को जोड़ के अर्ज करने लगे, ऐ इमाम वक्त, मेरे साथ जितने भी आलिम थे, लोग थे, आपके चाहने वाले, वो सब चले गए, या तो मर गए या तो हुकूमत के आगे अपने सर को खम कर दिया। अब बताएं इस नाचीज के लिए क्या हुक्म है। इमाम ने कहा, जीम। उसने सुना और मुस्कुरा के चला गया। बहलोल ताना का असल नाम अबुल वहाब था और आप बहुत अमीर थे। अपनी सारी दौलत सब गरीबों में बांट दी और जुनून इख्तियार कर लिया और दीवानों की तरह अपने कपड़े फाड़ के गली गली फिरता रहा और अली अली करता रहा। लोग कहते थे, ये दीवाना है, पागल है, इसे छोड़ दो, लेकिन वो अपने इल्म फहम से मोहम्मद व आले मोहम्मद के जिक्र को कायम रखता रहा। जब हारून रशीद ने देखा कि मेरे इतने जुल्म के बाद भी लोग आले मोहम्मद की इतनी इज्जत करते हैं, इमाम मूसा कादिम कैद में है लेकिन लोग उनकी रिहाई की दुआ करते हैं, उनकी एक बार ज्यारत के लिए बाहर जमा हो जाते हैं, तो उसने इमाम मूसा कादिम अलैहिस्सलाम को जहर दिलवा के शहीद कर दिया। उस वक्त आप बगदाद की जेल सिंधी इब्ने शहाक में थे, उस जेल में जहाँ बदतरीन कैदियों को रखा जाता था। इमाम की शहादत के बाद हारून रशीद ने यह हुक्म जारी किया कि इस फातिमा के पोते को ताबूत में डाल के शहर की पुल पे रख के आओ ताकि लोगों में खौफ पैदा हो, लोग मुझसे डरे, मेरे आगे झुके। तो बस इमाम मूसा कादिम को बंधे हुए हाथ पांव में जंजीर समेत ही उस ताबूत में डाल के पुल पे रख दिया और लोगों को बताया कि ये फातिमा का पोता मूसा कादिम है, जब हम इसको कत्ल कर सकते हैं तो तुम्हारी क्या औकात, जो वक्त के बादशाह के सामने आएगा उसका हाल भी यही किया जाएगा। लोगों में गिरिया बर्पा हो गया, हजारों लोग पुल के उस पार, हजारों लोग पुल के इस पार रोने लगे कि नवाज़ा रसूल के साथ ये अंजाम। लेकिन वक्त के जालिम के खिलाफ किसी ने आवाज ना उठाई, अगर कोई करीब आना चाहता तो उसे मार के दूर किया जाता।
काफी देर मजलूम इमाम का लाशा लावारिसों की तरह पुल पे पड़ा रहा। ये बात फैलने लगी तो शाही खानदान का एक लोग सुलेमान, जो दिल में आले मोहम्मद के लिए मवद्दत रखता था, वो सिपाहियों के साथ आया और पुल पे उन सिपाहियों को कहने लगा, क्या भूल गए हो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा था कि मैं अजरे रिसालत कुछ नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरी आल से मोहब्बत करो, ये है मोहब्बत। वो सिपाही अपने सर को झुकाने लगे। उसने कहा, मैं भी शाही खानदान का हूँ, जाओ हारून रशीद को कह दो जो उसे करना था वो कर चुका, अल्लाह के रसूल को और नाराज ना करे, तो आपके जनाजे को लेके जहाँ कुरैश के लोग दफन किए जाते थे वहाँ पे ले आए। तदफीन करने से पहले जैसे ही आपके मुबारक जनाजे को ताबूत से निकाला गया तो इमाम के हाथ और पांव जंजीरों से बंधे थे। लोगों को हुक्म दिया कि ये जंजीरें उतारो। सिपाही रोने लगे और रो के कहने लगे, ऐ हमारे आका, इस गरीब कैदी को ऐसा जहर दिया गया है जिससे इसकी हड्डियां तक गल गई है, अगर ये जंजीरें उतारेंगे तो इसकी हड्डियां भी टूट जाएगी और इसके जिस्म की खाल भी उतर आएगी। सुलेमान रोने लगा। इतनी देर में एक घोड़े सवार आया और उन्होंने फरमाया, मेरे बाबा को इस जंजीरों के साथ ही तदफीन कर दो, जब रोजे महशर मेरा बाबा उठेगा तो इस जंजीरों के साथ अपने नाना रसूल अल्लाह के पास आएगा और कहेगा, नाना तेरी उम्मत ने मुझे इस तरह अजरे रिसालत दिया। बस उस घोड़े सवार ने इमाम की तदफीन की और जाने लगा। लोगों ने पूछा, आप कौन है? उस घोड़े सवार ने कहा, मैं अली इब्ने मूसा रजा हूँ। ये वाकया 25 रजब 183 हिजरी का है। उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 54 और 6 की थी। आपकी मजलूमियत और गुर्बत का वाकया जो आले मोहम्मद को मानने वाला सुनता वो आपकी कब्र की ज्यारत करने के लिए आ जाता, तो यूं रफ्ता रफ्ता वो कब्रस्तान और उसके आस पास के घर काजमेन के नाम से मशहूर हो गए। आज भी लाखों अल्लाह के रसूल की औलाद से प्यार करने वाले काजमेन जाते हैं और इमाम मूसा काजिम के रोजे की तहलीज चूमते हैं। सलाम हो रसूल अल्लाह के नवासे इमाम अली और बीबी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पोते इमाम मूसा कासिम पर। बहुत बहुत दर्दनाक ये डॉक्यूमेंट्री था यार। लिटरली लास्ट पार्ट जहाँ पे उनको तदफीन करने की बात करी जाती थी जनाजे को, तो वहाँ पे कहा जा रहा था कि पहले उनकी जंजीरें निकाल दी, जो बेड़ियाँ बांधी हुई थी वो निकालने की बात हो रही थी, बट उन्हें कहा कि उन्हें लाइक इस प्रकार का ऐसा जहर दिया गया, लिटरली अगर बेड़ियाँ खोली जाएंगी तो उनके साथ साथ उनकी एक तरह से हड्डियाँ जो है ना वो एक तरह से पूरी गल चुकी थी, एंड वो अगर बेड़ियाँ निकालेंगे तो साथ साथ उनकी जो चमड़ी कहते हैं शरीर के ऊपर जो होता है लिटरली वो साथ साथ निकल जाएगा। तुम सोचो कितना दर्दनाक वो मूवमेंट होगा। लिटरली ये बहुत पहले से चला आ रहा है, इस दौर ये बहुत पहले से चला आ रहा है। जो सादात कहते हैं, सैयद कहते हैं, इनके फैमिली को ये एक तरह से परंपरा ही बना दिया है, कह सकते हैं जहर देके मारने वाला एक तरह से, जिसे कहते हैं ना कि फुल परंपरा सा बना दिया है कि जो सैयद सादात होंगे उनके फैमिली को हमको जहर देके लिटरली मारना है। एंड पूरा अगर इसके पीछे की स्टोरी तुम देखोगे तो लिटरली कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की जो शान बयान करेगा उसके साथ एक तरह से यही हशर होगा, एंड एक तरह से उन्होंने खुली चुनौती दी थी लिटरली जो जो इनका कत्ल करा गया जहर देके, एंड पूल पे उनके जनाजे को रख दिया गया। ठीक है, तो एक तरह से वो एक जिसे कहते हैं ना कि लोगों में खौफ पैदा करने के लिए लिटरली, कि वहाँ के लोग समझ सके कि भाई अगर तुम लाइक अली अली करोगे, तुम हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की शान बयान करोगे तो माशा यही हशर होगा। लिटरली बहुत तड़पाया गया, जितने भी ये सादात हैं इनको बहुत तड़पाया गया। लिटरली मैंने या लिटरली ऐसा कोई रिलीजन नहीं देखा जिसमें यह इतना ज़्यादा किसी ने दर्द सहा होगा। लिटरली जो सादात है हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जितनी भी पूरी फैमिली, इन्होंने जितना दर्द सहा मुझे नहीं लगता किसी ने सहा होगा। इमाम मूसा काजिम, ठीक है, मूसा इसलिए इनका नाम रखा गया बिकॉज इनकी शक्ल जो थी वो जो एक नबी थे मूसा, जिसे कहते हैं ना कि हज़रत मूसा जो एक नबी थे, जो तो उनकी तरह उनकी शक्ल दिखती थी, लेकिन मैंने सुना है कि जो हज़रत मूसा थे वो बहुत गुस्से वाले थे, उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, लेकिन ये जो थे इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम ये एक तरह से अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करते थे। मैंने इस बारे में मुझे बताया किसी ने कि अपने गुस्से को बहुत कंट्रोल करते थे। आई थिंक काजिम का मतलब होता है गुस्से को कंट्रोल करने वाला। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल थे बिकॉज इनके जो
पापा कहेंगे, ठीक है बाबा कहेंगे, इमाम जाफर सादिक साहब बहुत इल्म वाले थे। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे लाइक उनसे रिलेटेड, उनके इल्म के बारे में बहुत बातचीत होती है, अभी बहुत बातचीत होती है, ठीक है। तो उस दौर में वो बहुत लोगों को एक तरह से सिखाते थे, पढ़ाते थे, तो बहुत बहुत इल्मी थे वो। एंड उनके साथ साथ जो एक तरह से उनकी जो प्रोजेनी थी, उनके साथ एक तरह से कहते हैं कि वो फुल वो आगे आगे बढ़ते चला गया, उनकी जो एक तरह से नॉलेज थी, ठीक है। बहुत मैं इतना ही कहूँगा, लिटरली उन्होंने बहुत दसरा है, जितने भी ये लोग थे सादात के, उन्होंने बहुत दसरा है। वो कैद खाने में होते हुए भी उन्होंने अल्लाह की इबादत नहीं छोड़ी। एंड वहाँ पे जो एक जालिम जिसे कहते हैं, क्या नाम था उनका यार, हरून था, जिसने एक तरह से उनको जहर दे दिया। एंड लास्ट में उनकी कब्र को वहाँ पे दफनाया गया जहाँ पे कुरेश के लोगों को दफनाया जाता था, ठीक है। कुरेश के लोग वही थे ना जो अबू सुफियान वगैरह थे। अभी हाल ही में एक और सीन हुआ है यहाँ पे, काजमेन में एक सीन हुआ है, जो पुल था जहाँ पे एक तरह से इनके जनाजे को रखा गया था, तो वहाँ पे मैंने सुना है बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, ठीक है, ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ था वहाँ पे। एंड मुझे ज़्यादा पता है नहीं वहाँ पे आखिर क्या सीन हुआ, मतलब लोगों को वहाँ पे तकलीफ़ हुई या वहाँ पे मतलब घायल हुए, मुझे इस बारे में ज़रा बताना, डिटेल में थोड़ा विस्तार से बताना आखिर क्या हुआ। बस मैंने इतना ही सुना है कि वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, लिटरली मुझे समझ में नहीं आता पहली बात तो। तो या दैट्स इट, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। मेहरबान अली सर की वीडियो थी, उनका चैनल तो नहीं रहा, पता नहीं क्या सीन है, मुझे वीडियो कहीं से मिल गया, मुझे खुद नहीं पता मुझे कैसे मिल गया। जस्ट मैं यूट्यूब स्वाइप अप कर रहा था, मुझे यूट्यूब के होम पेज पे फीड अप में मिल गया। एंड सच में बहुत बड़ा एक तरह से लकी कहूँगा यार, लिटरली मेरे आंखों के सामने खुद ब खुद ये वीडियो आ गया। जस्ट मैं ढूंढ ही रहा था और मुझे यूट्यूब ने सजेस्ट कर दिया इस वीडियो को, बहुत कुछ लिटरली समझ गया। एंड बहुत दर्द भरी ये वीडियो थी यार, बहुत दर्द भरी, लिटरली दर्दनाक से भी दर्दनाक, वही स्पेशली पार्ट जो खाल वाली बात हुई थी, बहुत दर्दनाक था वो। एंड तुम देख लो यार, अभी भी मौला अली इस्लाम के नाम लेने वाले को दड़पाया जाता है, उनको मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। हज़ारा कम्युनिटी, अभी जो हाल ही में एक केस हुआ तुम्हें पता होगा, जहाँ पे एक तरह से इतना भयानक वो गला काटा था, लिटरली जब मैं देखता हूँ तो पैर के नीचे ज़मीन होती है, वो आग निकल जाती है, लिटरली पैरों तले ज़मीन निकल जाती है यार। वो इतना दर्दनाक वो मर्डर था, वो हज़ारा कम्युनिटी के लोग को जो मार दिया गया था, जहाँ पे उनके माए बाप जो उनकी बॉडी को लेके बहुत दिनों तक बाहर में थे। दैट्स इट, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।